Hello people, let's start today's class. And today's topic is fancy and imagination. These terms by S.T. Coleridge, Samuel Tyler Coleridge. Coleridge ने दो टर्म दिए थे, imagination and fancy, अपनी एक बुक में बायोग्राफिया लिटरेरिया. तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू टर्म्स और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो टर्म्स कौन कौन से और इनके टाइप्स कौन कौन से थे. तो इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फैंसी और इमेजिनेशन क्या है. कॉलरिज ने जो इमेजिनेशन की जो डेफिनेशन बताई उसे उन्होंने टाइप्स में डिवाइड किया था. फैंसी और इमेजिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फैंसी इमेजिनेशन को थोड़ा इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन वी विल बी लुकिंग एट, एंड लाइक लास्ट दिस इज द टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं. फर्स्ट कॉलरिज होल एस्थेटिक, हिज डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, हिज आइडिया ऑफ पोइट एंड हिज पोइटिकल क्रिटिसिज्म, तीनों चीज़ें अगर हम बात करें कि उसकी जो कॉलरिज ने डेफिनेशन दी थी और पोइट्री की, उनके आइडिया ऑफ पोइट कि पोइट क्या चीज़ होती है, क्या करते हैं, एंड हिज पोइटिकल क्रिटिसिज्म, तीन चीज़ें इस पे रिवॉल्व अराउंड हिज थ्योरी ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 11 to 14 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया एज आई जस्ट मेंशन. ठीक है, तो ये उन्होंने बुक में दिया था बायोग्राफिया लिटरेरिया में, और ये आप लोगों के पास में ये फैक्ट्स आते रहेंगे तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं. एंड आई होप यू विल कलेक्ट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक. एंड वाइल डूइंग MCQs ऑन द सेम टॉपिक यू विल बी यू नो पेइंग मोर अटेंशन एंड यू विल गेनिंग मोर मार्क्स. तो लेट्स गो अहेड. तो उन्होंने ये अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया था 11 to 14 चैप्टर में. ठीक है, फैंसी एंड इमेजिनेशन. कॉलरिज बिल्ड्स हिज थ्योरी ऑन द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन. सो व्हाट इज़ द थ्योरी? थ्योरी उनकी जो इमेजिनेशन की जो थ्योरी थी, कॉलरिज की जो थ्योरी थी, ठीक है, पोइट एंड पोइम्स के लिए, तो उन्होंने जो अपना डिस्टिंक्शन बताया फैंसी और इमेजिनेशन, वही उनकी थ्योरी बनी आगे जाके. टर्म्स विच वर यूज्ड बिफोर हिम मोर और लेस इंडिस्टिंगुइशली टू एक्सप्रेस द सेम इम्पोर्ट. कॉलरिज इमेजिनेशन, अब यहाँ पे देख सकते कि जो इमेजिनेशन है उसे उन्होंने दो टाइप्स में बांटा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी इमेजिनेशन इज क्रिएटिव, ओरिजिनल एंड यूज्ड अनकॉन्शियसली. रिमेंबर दिस, यूज्ड अनकॉन्शियसली ह्यूमन इंडिविजुअल पावर टू प्रोड्यूस इमेजेस, द पावर टू चूज कियोस अ सर्टेन ऑर्डर. Poetic faculty, second one is poetic faculty. So it is a poetic faculty, remember this one, which not only gives shape and order to the given world, but builds a new worlds. Okay. Next term is fancy. First was imagination. It is of two types, but fancy is single. A kind of logical faculty. So remember this one. Secondary imagination is a poetic faculty and this is logical faculty. The mechanical ability the poet has to use devices like metaphors, alliteration in poetry in order to blend various ingredients into beautiful images. So this is called fancy. Okay. Fancy and imagination. He first refers to his significant distinction in the chapter 4 of Biography Literaria. The occasion is his consideration of the excellence of Wordsworth's mind as reflected in his poetry. Repeated meditations led me first to suspect and a more intimate analysis of human faculties, their appropriate marks, function and effects matured by conjecture into full conviction that fancy and imagination were two distinct and widely different faculties. So he finds them different. And instead of being according to the general belief, either two names with one meaning or at furthest the lower and higher degree of one and the same power. Fancy and imagination. Coleridge ultimately uses the term fancy for the 18th century view of imagination, which was essentially mechanical and determined by the law of association. Imagination on this view does not modify, much less does it transforms the material that it deals with, but merely reproduces them. So you can see here, imagination on the view does not modify, okay, and much less does it transform the material that it deals, but merely reproduces them. So it does not recreate. Fancy, says Coleridge, has no other counters to play but fixities and definities.
Fancy must receive all its material ready-made from the law of association. So remember this, fancy does not create things. It gets things from gets ready-made material, means पहले से बनी हुई चीज़ों को ही ये आपके पास में शो करेगा. और brief discussion of the theory of association in the context of the 18th century view of imagination above would make it clear that although Coleridge does not assign a minor role to fancy in production of poetry, it is with him essentially a pejorative term. So he thinks that it is a pejorative term, and because it show cross explains the distinction between imagination as universally active and consciousness. So remember this, imagination works subconsciously, fancy works consciously. दोनों के दोनों में ये डिफरेंस है कि इमेजिनेशन सबकॉन्शियसली काम करती है और फैंसी कॉन्शियसली काम करती है अकॉर्डिंग टू कॉलरिज. एंड द सेम फैकल्टी इज अ हाइटेंड पावर एज क्रिएटिव इन अ पोइटिक सेंस. सो दिस इज ऑल्सो द सेम फैकल्टी एंड इट हैज अगेन द पावर ऑफ बीइंग क्रिएटिव. Types of imagination, as we have already talked about this, so he subdivided imagination into primary and secondary imagination. He primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception. So here the another word is perception. So हम जो भी percept करते हैं, जो भी हमारा perception होता है, उसके लिए prime जो agent है वो क्या है? Primary imagination है. और आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी परसेप्शन होता है, जो भी हमारा परसेप्शन होता है, उसे कौन गाइड करता है? प्राइमरी इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉलरिज. एंड एज अ रिपीटिशन इन द फाइनाइट माइंड द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएटिव क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम. सो द टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, अगेन वी आर टॉकिंग द सेकेंड वन, क्रिएटिव इमेजिनेशन. द प्राइमरी imagination is the elemental power of basic human perception which enables us to identify. So what are the works by primary imagination? It enables us to identify, to discriminate, to synthesize, and thus to produce order out of disorder. In this, it is analogous to the eternal act of creation in the infinite I am. The secondary or artistic, so remember this one, now we are talking about the secondary imagination, coexists with the conscious will and is different in degree and mode of operation from the primary imagination. So here this chart will make it means it summarizes everything there. So you can see here primary imagination and secondary imagination. So you can you can use pictorial method of study. You can just make a picture in your brain, and then you can remember these things for forever, and you can rectify these things, and then you can understand. So primary imagination is of two types. We just summarized it here, primary and secondary. What does primary imagination do? It is a creative, original, used unconsciously, okay, or subconsciously you can say, and this is used consciously, secondary imagination. Okay, so this chart will help you to understand these three terms, imagination, primary imagination, secondary imagination, and fancy. I hope you have got enough idea about Coleridge's theory of poetry. If not, or you find any difficulty, you can write down in comment box. We will be talking later on this same topic. So be ready for more videos, and join me at 7:30 p.m. every day. Bye bye, take care, don't forget to like and share. Good luck for exams.